तो है गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। विश्वास करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। अगर कोई कार इंथुसियास्ट है और जिसको खासकर स्कॉर्पियो पसंद है तो वो जाके मेरा स्कॉर्पियो वाला वीडियो जरूर देखना और मेरे पॉइंट को कंसिडर कर लेना। लेकिन अगर आपको रीजन जानने हैं कि क्यों मैं वो पॉइंट को बता रहा हूँ तो देख लेना है, पूरा वीडियो है मेरा। और वीडियो को लाइक करके बता देना कैसा लगा। तो फटाफट से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। होंडा BRV, तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम माइनर और मेजर चीजें कवर करने वाले हैं, छोटी छोटी चीजें और बड़ी बड़ी चीजें कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा जो भी है चीजें हैं वो इंटरनेट में अवेलेबल है। मतलब आप कार BRV, होंडा BRV गूगल में सर्च करोगे तो बाकी चीजें आ जाएंगी, कार की लेंथ, हाइट, डायमेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस और वगैरह वगैरह आपको वहां पे मिल जाएगा। तो मैं वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जो कि अलग है, जो किसी ने बताया हो शायद, पता नहीं। मैं किसी का वीडियो देख के नहीं आ रहा हूँ, ना ही किसी का कॉपी करने वाला हूँ। मैं ये रियल ओनरशिप रिव्यू फिर से देने वाला हूँ, इसकी अच्छाई भी करूंगा और बुराई भी करूंगा, क्योंकि बुराई ज्यादा मिली नहीं मेरे को और अच्छाई मिली तो वो तो मैं जरूर बताऊंगा। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वो बात बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए। एक ओनर के थ्रू ही आपको वो चीजें पता चल सकती है। ये ओनर रिव्यू है, मैं कोई कार रिव्यू नहीं कर रहा, ये ओनर की तरफ से रिव्यू है। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना और चलिए वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटीरियर की बात करेंगे, फिट एंड फिनिश की बात करेंगे। और गाड़ी गंदी है यार, माइंड मत करना, मैं थोड़ा बाहर हूँ और ये वीडियो मैं सुबह 7 बजे शूट कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी में मुझे कहीं निकलना है तो फटाफट से मैं सोचा ये वीडियो बना के आपको पेश करके थाली में परोस करके निकल जाता हूँ और फिर आपको मज़ा आ जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो करते हैं कैमरा टर्न। सबसे पहले फिट और फिनिश की मैं बात करता हूँ, मैं बात क्या करता हूँ मैं दिखा देता हूँ आपको लाइव डेमो। फ्लैश लाइट ऑन कर लिया जाए, शायद कुछ हेल्प हो जाए मेरी। ये देखो, ठीक है, ये देखो, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत है? गैप देखो, यहाँ गैप देखो और यहाँ पे देखो। मुझे नहीं लगता इसके बारे में मुझे कुछ बोलना चाहिए या कुछ बोलने की ज़रूरत है। तो फिट एंड फिनिश के मामले में तो समझ जाओ। और ये वाला गैप फालतू लगता है मुझे, देखो कितना गंदा दिखता है ये वाला गैप। और ये देखो फिट एंड फिनिश, और मुझे कुछ ज़्यादा फिट एंड फिनिश के बारे में कंप्लेन नहीं है, बट मैं सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लाखों के रुपए खर्च करके एक ऐसा फिट एंड फिनिश वाला गाड़ी लो, वो भी मेरे रिव्यू के बाद। और दूसरा है फिनिशिंग के मामले में, मतलब डिज़ाइन के मामले में, अगर मैं गाड़ी में आपको दिखाऊं तो यही सामने ही दो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहली चीज़ तो ये खाली क्यों है भाई, मेरे को ये थोड़ा लगा कि खाली क्यों है, क्योंकि इस तरफ तो दिया हुआ है मार्क, इधर भी दे देना था, कंजूसी कर दी गई है ऐसा मेरे को लगता है, आई फील। और दूसरी चीज़ है गियर नॉब, देख लो भाई कितना सिंपल सा है, इतना सिंपल सा गियर नॉब है, मतलब भाई कुछ ज्यादा ही सिंपल कर दिया, एकदम ब्लैक 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 लग रहा है सब कुछ। हालांकि कलर अच्छा दिया है, ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, बट गियर नॉब को भी ग्रे कर देता तो अच्छा रहता ना यार। जो तीसरा पॉइंट है इसका वो है गियर नॉब से रिलेटेड, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको कहीं गियर इंडिकेटर नजर आ रहा है भाई? देखो आ रहा है तो मेरे को जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो नहीं नजर आ रहा इस गाड़ी में गियर इंडिकेटर। कहाँ देखते हैं भाई, बता देना कमेंट सेक्शन में, कहीं अगर दिखाया जाता है, कोई घुसना पड़ता है कहीं सेटिंग वेटिंग में तो मेरे को ज़रूर बता देना गियर इंडिकेटर कहाँ पे है। रेंज इतना है, 308 किलोमीटर अपन चल चुके हैं 18 किलोमीटर, और इसका एवरेज देख लो भाई, 14 का एवरेज मिला है मेरे को। और हाँ बता दूँ, मेरा स्पीड था होगा 60, 80 और 100, इतना कुछ स्पीड था होगा, और ओवरऑल 14 का मेरे को मिल गया है एवरेज। अगर आप में से किसी को दिखाई दे दिया तो कमेंट कर देना भाई, मेरे को बता देना कहाँ दिखाता है गियर इंडिकेटर, ऐसे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तो इतनी बड़ी गाड़ी में गियर इंडिकेटर नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी कमी हो गई मेरे को फील हो गया, क्योंकि यार कभी कभी पता नहीं चलता है आप कौन से गियर में हो, तीसरा और पाँचवा, इसमें टोटल 7 गियर है, टोटल रिवर्स को मिला के 7 गियर, बाकी फॉरवर्ड 6 और 1 रिवर्स। कितना सिंपल कर दिया यार गियर नॉब को, थोड़ा स्टाइलिश बनाता और
गियर इंडिकेटर दे देता तो मैं अभी आ गया हूँ मिडिल रो में। अरे स्पेस की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी, ये एक खासियत है इसकी, स्पेस की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी, ना आगे ना मिडिल रो में ना पीछे। हाँ नहीं, अगर आपकी हाइट 5 फुट है तो पीछे थोड़ा सा सोचोगे। देखो 2-3 घंटे का रास्ता है तो आप पीछे आराम से सेटल हो जाओगे। मैं दिखाना नहीं चाहूंगा क्योंकि अपन सफर से आए हैं तो काफी गंदा हो रहा है, तो बाकी आप मेरी बातों पे विश्वास करो। पीछे अगर 5 फुट से कम हो आप तो आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर 5 फुट हो और उससे ज्यादा हो तो 2-3 घंटे का सफर यूं निकल जाएगा, यूं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे 5-5.5 फुट वाले बंदे बैठ बैठ के गए हैं, काफी लंबा लंबा ट्रिप मारे हैं, उनके मुंह से मुझे कोई कंप्लेन नहीं आया है। हाँ बीच में सीट बदली कर दिए थे, बीच में आ गए थे, तो कम से कम 6 घंटा टिक सकते हो आप मेरे हिसाब से, 6 घंटा, 5-6 घंटा आप टिक जाओगे पीछे, क्योंकि वहाँ लेगरूम काफी कम है, काफी कम, छोटा से छोटा लेगरूम इमेजिन कर लो, बट इतना भी छोटा नहीं है। फिर मैं आपको एक दिखा ही देता हूँ यार, डेमो दिखाई देता हूँ। चलो ये रहा थर्ड रो, ठीक है, और स्पेसिंग देख लो आप, आपको कितना लग रहा है, आप ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है, आप देख लो अपने हिसाब से। देखो भाई फ्रंट का तो कोई सीन नहीं है, फ्रंट में तो वैसे भी कभी आती नहीं है दिक्कत स्पेसिंग को लेके, स्पेसिंग की दिक्कत आती है तो मिडिल रो में आती है और थर्ड रो में आती है, तो मिडिल रो का स्पेसिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, आप शायद खुश हो जाए और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। तो ये रहा, देख रहा कितना ज्यादा स्पेस है, कितना ज्यादा स्पेस है, मेरी हाइट 5 फुट है और मेरा पैर देख लो, ये 5 फुट के हिसाब से सेट है सीट, तो ठीक है मैं इसको पूरा पीछे करके आपको यहाँ पे बैठ के दिखाता हूँ। ये मैं सीट को, ठीक है ये मैंने सीट को किया पूरा पीछे, और एक बार कंफर्म कर लेता हूँ सीट पूरा पीछे है ना, हाँ बिल्कुल पीछे, और ये हाँ मैं आ गया, सीट बिल्कुल पीछे है, और आप यहाँ ऊपर से देख लो भाई क्या दिक्कत आ रही है। मेरे को तो नहीं लगता कि सीटिंग प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 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 ये वाली सीट भी ना आगे पीछे होती है, ये वाले तो ये बिल्कुल पीछे हो रखी है, तो मैं इनको आगे करता हूँ और फिर देखता हूँ कितना स्पेस बचता है। ये रख दिया भाई मैं, ये सीट बिल्कुल पीछे है, ये गैप इतने हैं, इतने काफ़ी गैप है, बट ये अभी सीट पीछे है, मैं इसको आगे करता हूँ। बस इतना, इससे आगे नहीं होगा, तो आप देख सकते हो मेरे पैर सट चुके हैं पूरे, बिल्कुल सट गए हैं मेरे पैर, और यहाँ पे बैठे बैठे ऐसे मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत हो रही है मेरे को, बट अगर आपको 6-7 घंटे का ट्रेवल कहीं करना है तो ये दिक्कत कर देगा, बिल्कुल कर देगा, क्यों नहीं करेगा भाई, बिल्कुल जगह ही नहीं है, बिल्कुल सट चुकी है। और अगर प्रैक्टिकली बात करूँ ना यार, प्रैक्टिकली तो ये सीट कोई पूरा पीछे करने नहीं वाला, और ना ही कोई यहाँ बैठने वाला करने देगा, बट कभी अगर हो जाए बाय चांस तो इधर किसी छोटे बच्चे को बैठा देना भाई, और तुम खुद साइड में बैठ लेना पीछे करके सीट को, तब पीछे होगा नहीं। और हाँ चलो अब ये सीट आगे हुआ ना, तो पीछे भी जगह बन गया, तो पीछे भी बैठ के मैं आपको दिखा देता हूँ। सीट कुछ अच्छे तरीके से फोल्ड होता है एज कम्पेयर टू एर्टिगा। ओ ये देखो ये सीट पूरा उलट के उधर हो जाते हैं, और मैं खाली पैर ही जाता हूँ अंदर में। ये रहा मैं आ गया अंदर, ठीक है ये मैं बैठ चुका हूँ, ये बैठ गया मैं टिक के बिल्कुल। अब इसको करते हैं नीचे, ये हो गया सीट नीचे, ये हो गया सीट ऊपर। अरे बाप रे जगह काफी है बट हाइट छोटी हो गई, हाइट छोटी हो गई, हाइट छोटी हो गई, तो आपको ऐसा लगेगा आप मछिया में बैठे हो। देखो यार है, हाइट छोटी है ना, हाइट छोटी है इस वजह से बस थोड़ी दिक्कत है, बाकी अब स्पेस की बात करो तो नहीं, स्पेसिंग में प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट हाइट छोटी है तो आपका घुटना ऊपर जा रहा है, ये देखो घुटना ऊपर जा रहा है, और ये पोस्चर कुछ ऐसे बन रहा है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आपको यहाँ दर्द देगा, ऑब्वियसली बात है। अब यह सीट को आगे करके मैं स्पेसिंग दिखा देता हूँ कितना होता है। तो ये देख लो भाई सीट बिल्कुल आगे हो रखी है, और अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, अच्छा खासा स्पेस है, आप ऐसे पालती मार के बैठ सकते हो यहाँ पे ये। बट मैंने सफ़र किया है, मैंने भिलाई से तिल्दा सफ़र किया है, और सबसे ख़ास बात बताऊँ इस गाड़ी की, वो वाला जो सीट है ना फर्स्ट के 2 सीट, ये कंफर्टेबल है,
जो मिडिल के जो सीट है ये उससे भी ज्यादा कंफर्टेबल, और ये वाले जो सीट है ये रो लग्जरी। बस आपको ये पता चलेगा ब्रेकर बम्प्स पता चलेंगे, डुप ढप, जब ऊपर हो गए तो उछलेगा गाड़ी और नीचे हो गए तो पता चलेगा नीचे ऐसे हुए। और बाकी अगर रोड खराब है, घर 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 ऐसे गाड़ी चल रहा है तो यहाँ कुछ फील नहीं होने वाला, बिल्कुल फील नहीं होने वाला। मैं बैठा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, और सच बता रहा हूँ मैं इसको लग्जरी बोलता हूँ। आगे वाले में ना काफ़ी झटके आपको महसूस होते हैं, सेकंड में कम झटके महसूस होते हैं, थर्ड में तो नहीं होते मान लो। रही बात बूट स्पेस की, आप सर्च कर लेना यार कितने लीटर का है, मेरे को तो सफिशियंट लगा। और सबसे खास बात बताऊँ, ये सीट जो है ना, ये सीट ये फोल्ड हो जाती है, फोल्ड हो करके यहाँ तक उठ जाती है, ये पूरा उठ जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, नहीं दिखा सकता सॉरी, आप लोग समझ जाना, ये सीट पूरी फोल्ड हो जाती है और इसका बूट स्पेस दुगना गया, तीन गुना बढ़ जाता होगा मेरे ख्याल से। आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो, मैं वहाँ पे आपको इसकी डिटेल बता दूंगा, जो भी छोटी होगी जो भी चीज़ें आप इंस्टाग्राम में पोस्ट देखना और आपको बस समझ आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है इसका हैंडलिंग। हैंडलिंग की अगर मैं बात करूँ तो टू रिस्की भाई, टू रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है अगर आप हाई स्पीड में ब्रेक मारते हो ख़राब रास्तों पे। ख़राब रास्ते से मेरा मतलब क्या है, हल्के फुल्के गड्ढे, धर्र ऐसे गाड़ी चल रही है बट धर्र, देखो आप एक्सेलरेट करोगे उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जीरो कंप्लेन, लेकिन आप जैसे ही ब्रेक मारोगे तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव है और आपको पता ही होगा फ्रंट व्हील ड्राइव को, क्योंकि गाड़ी को आगे भी बढ़ाना होता है और टर्न भी लेना होता है, तो यहाँ पे थोड़ा इसका परफॉर्मेंस लो हो जाता है, थोड़ा क्या भाई बहुत रिस्की हो जाता है। मैं खुद कल आया जशपुर से बिलासपुर और बहुत सारे ख़राब रास्ते पड़े, जो हल्के फुल्के गड्ढे होते हैं जहाँ पे आप सोचते नहीं हो, गाड़ी को स्लो करने के ऐसे करके निकाल लेते हो, आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे अगर आप ब्रेक मारते हो तो हैंडलिंग आपके हाथ में नहीं रहती वहाँ पे, और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ लगी, इसको बोलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पे आप ब्रेक मार रहे हो और हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं होगा वहाँ पे, ऐसी गलती मत करना कि आपने ब्रेक मारा, हाई स्पीड में हो ब्रेक मार रहे हो, गाड़ी स्लो हो रही है और हैंडलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे आपका हैंडलिंग नहीं होगा, आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होगा, ये मार्क कर लो। हैंडलिंग की मैं बात करूँ एक और हैंडलिंग के बारे में, अच्छे रोड है, अगर रोड अच्छा है, माइनर से गड्ढे हैं, तो हैंडलिंग की अगर मैं बात करूँ तो हाई स्पीड में आप टर्न लेने के लिए ना नहीं सोचोगे। कल ही की बात है, मैं हाई स्पीड में था, अगर रहा होगा 60-70 तो मैं टर्न ले रहा था अच्छा खासा हाई स्पीड में, और सामने से गाड़ी आ गई तो मैं और ज़्यादा काट दिया गाड़ी, और गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल में थी। तो हैंडलिंग के मामले में आपको ये कंप्लेन भी करेगी और तारीफ भी, दोनों चीज़ देगी, बेनिफिट भी देगी और डिसएडवांटेज भी देगी। ख़राब रास्ता है तो आप तो गए, आप ऐसा करने का सोचना भी मत। बट अगर रोड प्लेन है, ज़्यादा गड्ढे नहीं, एकदम कुछ ज़्यादा ही छोटे गड्ढे हैं, तो वहाँ पे आप नहीं सोचोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना काम करना है, गाड़ी चलाना है। 60-70 के बारे में देखो, एक टर्न होता है ऐसे आराम से, ऐसे आया आराम से गया, और एक टर्न होता है ऐसे आके पट से ऐसे मुड़ गया, तो वैसा कुछ टर्न था और गाड़ी सामने से आ रही थी तो मैं डर गया था, बट मैं देखा अरे गाड़ी कैसे हैंडल कर लिया, मेरे दिमाग के हिसाब से गाड़ी को उस गाड़ी के पास पहुंच जाना चाहिए था, बट तो ये इम्प्रेसिव चीज़ है, इसलिए मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ख़राब रास्ते में तो बिल्कुल हैंडलिंग ख़त्म था, और जब रास्ता प्लेन था अच्छा था, दिल जीत लिया दिल। और फाइनली इसकी सबसे खास चीज़, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका रोड के साथ चिपक के चलना। आपने बचपन में चुंबक के साथ खेला है, चुंबक कैसे चिपकते हैं, एक बार ऐसे चिपक गई लोहे में तो ऐसे घसीटते घसीटते निकलती है कि नहीं, एम आई राइट? इसका भी वही हाल है रोड के साथ, इसका भी वही कनेक्शन, नहीं छोड़ने वाली रोड को। ख़राब रास्ता ना हो तो, ख़राब वाले मेजर वाले, मेजर अच्छे खासे ख़राब रास्ता, और बड़े बड़े गड्ढे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे मोटे गड्ढे आते हैं ना घर वाले, वो वाले की बात कर रहा हूँ, बाकी ये आपको
आपको बैठते के साथ पता चल जाएगा आप उड़ने नहीं वाले इस गाड़ी में। तो ये बहुत ही स्पेशल फीचर है इस गाड़ी की, क्या पता बाकी गाड़ी में आती होगी, बट मैं यही चलाया हूँ तो मुझे यही पता है। और इसकी तारीफ घर वाले भी करते हैं कि उनको भी फील होता है पीछे बैठ के कि गाड़ी चिपक के चल रही है, बिल्कुल रोड के साथ चिपक के चल रही है, कहीं उछाल नहीं रही है। तो ये था भाई हमारा लास्ट पॉइंट। वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना और कमेंट करते रहना, और मैं ऐसे ही रिव्यू करते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।